Hi everyone, welcome back to the channel. Today I'm going to share with you this beautiful everyday eye makeup look. I will also share with you how you can make your eyes look bigger. वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मेकअप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लाइट ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ मेरी क्रीज एरिया में विद दिस फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। दिस इज माय ट्रांजिशन शेड। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेलोटेप अप्लाई किया। ये मेक श्योर करेगा कि हमें बहुत अच्छा आई शेड मिलेगा। नेक्स्ट मैं इस डार्क ऑरेंज शेड को अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मैंने ट्रांजिशन शेड अप्लाई की थी। इसे थोड़े से नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करते हुए कलर बिल्ड करना है। ब्लेंडिंग में टाइम देना इज रियली इम्पोर्टेंट। जितना अच्छा ब्लेंडिंग होगा उतना ही अच्छा मेकअप होगा। अब मैं इस गोल्डन शिमरी शेड को अप्लाई कर रही हूँ मेरी आईलिड में, मेरी आई शेप में विद दिस फ्लैट ब्रश। स्लोली स्लोली ब्लेंड करते हुए कलर अप्लाई करना है एंड इसे थोड़ी सी इंटेंसिटी करना है। वैसे शिमरी कलर फिंगर की हेल्प से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से फिंगर से भी ये अप्लाई हो जाते हैं। मैं इस डार्क ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ मेरी आउटर वी में विद दिस स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। इससे ये प्रिसाइजली अप्लाई होगा एंड यहाँ पे जस्ट मैं मेरे आउटर वी को ही फोकस कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ब्राउन शेड को क्रीज कलर के साथ थोड़ी ब्लेंड भी कर लूंगी ताकि कोई भी हार्ट लाइन ना दिखे। अब मैं इस व्हाइट शिमरी शेड को अप्लाई कर रही हूँ मेरी ब्राउ बोन में एंड इसे मैं मेरी इनर कॉर्नर में भी अप्लाई कर लूंगी। इससे आई मेकअप बहुत ब्यूटीफुल लगती है, तो ये वाला स्टेप कभी भी मत स्किप करिएगा। लेक्मी इंस्टा लिक्विड लाइनर से मैं यहाँ पे एक लॉन्ग एंड थिक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आंखों को बिगर दिखाने का ये एक आसान सा तरीका है गाइस, आप भी जरूर ट्राई करना। ऐसे एक लॉन्ग एंड थिक ब्यूटीफुल सा विंग ड्रॉ करके देखना कितना ज्यादा डिफरेंस आती है आई शेप में। कंपेरेटिवली बहुत बिगर दिखती है एंड आई मेकअप बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो ये ड्रॉ करने के बाद यू कैन सी द डिफरेंस। स्टेकुल की बैडेस ब्लैक कोल से मैं मेरी लोअर वाटरलाइन में काजल अप्लाई कर रही हूँ एंड सेम काजल से मैं मेरी अपर एंड लोअर वाटरलाइन को टाइटलाइन भी कर लूंगी। अपर एंड लोअर लिड में आई मेकअप बैलेंस दिखे इसलिए मैं काजल को पहले डार्क ब्राउन शेड से स्मज कर रही हूँ एंड देन मैं मेरी ट्रांजिशन शेड से ब्राउन कलर को स्मज कर रही हूँ। इससे आई मेकअप बैलेंस दिखेगा एंड एक सॉफ्ट स्मोकी सा लुक भी आएगा। लेक्मी आइकनिक कर्लिंग मस्कारा से मैं मेरी अपर एंड लोअर लेशेस को अच्छे से कोट कर रही हूँ टू गिव सम एक्सटेंशन टू माय नेचुरल लेशेस। एंड अगर डेली बेसिस पे आपको फॉल्स लेशेस लगाना पसंद नहीं है तो ऐसे मस्कारा अप्लाई करके भी आप अपनी आई मेकअप को कम्प्लीट कर सकते हो। दिस इज द लुक बिफोर अप्लाइंग फॉल्स लेशेस। एंड दिस इज द लुक आफ्टर अप्लाइंग फॉल्स लेशेस। ऑफ कैमरा फॉल्स लेशेस लगा के मैंने मेरी लुक को कंप्लीट किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।